अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद सईदा साजिदा। आज हम आपके सामने फिर से एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, टमाटर और भिंडी की बघारी कढ़ी। चलिए हम भिंडी की कढ़ी में क्या क्या मसाले पड़ते हैं आपको बताते हैं। पहले टमाटर है, ये टमाटर को हम इस तरीके से चॉप्स करके रख लिए, ये 3 से 4 टमाटर है। ये इमली, इसको हम भिगा के रख लिए। भिंडी, इसको भी हम इस तरीके से पीसेस बनाकर रख लिए। ये बेसन है, ये 1 बड़ा चम्मच बेसन है। कोथिमीर, हम 1 कोथिमीर को ऐसा बारीक काट के रख लिए। करिया पाक और हरी मिर्चियाँ, हरी मिर्ची को भी इस तरीके से काट कर रख लिए। 1 प्याज की डल्ली, इसको हम चॉप्स करके रख लिए। ये 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और अदरक लहसुन पेस्ट और ये मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक। चलिए हम भगोना रखिए, हम ऑयल गरम कर लेते हैं। 1 बड़ा स्पून ऑयल डालें हम। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें तेज़पत्ता, शाहजीरा, दालचीनी वो डालेंगे और 1-2 मिनट इसको इसकी खुशबू इसमें तेल में आए तक फ्राई करेंगे। देखिए मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 मिनट तक अच्छा है इसको फ्राई करेंगे। हमको प्याज ज़्यादा लाल करना नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट फ्राई करना है। अदरक लहसुन पेस्ट, इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट को। चलो अब हम हरी मिर्ची और करिया पत्त इसमें फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए अब हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। वन स्पून उतना नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1.5 स्पून, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पूनफुल धनिया पाउडर और 1 स्पूनफुल ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 10 मिनट में टमाटे सॉफ्ट हुए तक इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे टमाटे को तेल में। देखिए टमाटे सॉफ्ट हुए तक हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। देखिए टमाटे हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे और भिंडी नरम हुए तक इसको तेल में अच्छा भुनेंगे। भिंडी डाल के तेल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए भिंडी भी अच्छी नरम हो चुकी है, अब हम इसमें इमली का खट्टा डालेंगे इसके अंदर। देखिए हमने रस निकाल लिया है इमली का, अब हम इसको भिंडी और टमाटर में ऐड करेंगे। देखिए अब हम रस इसमें ऐड कर लेंगे, ये टमाटर और भिंडी में। अब हम इसमें थोड़ी सी कोथिमीर ऐड करेंगे और ये खट्टा अच्छा पके तक इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। देखिए हमने बेसन को पानी डालकर ऐसा घोल बना लिया है, एक घोल बना लिया हमने बेसन का। अब इसमें भी हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जितना डालें उसमें कढ़ी अच्छी होती है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल के। देखिए 5 से 7 मिनट हमने खट्टे के पानी को अच्छी तरह उबाल लिया है, खट्टा अच्छी तरीके से पक रहा है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे।
जो देखिए हमने बेसन घोल के रखा था, ये अब ये हम खट्टे में ऐड करेंगे थोड़ा 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 करके हम इसको डालेंगे। देखिए बेसन का घोल इसमें डाल दिए हम, एक 5 मिनट तक बेसन की कच्ची स्मेल गए तक इसको उबाल लगा लेंगे कढ़ी में। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। देखिए हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, हम बाउल में निकाल लिए, हम इसको प्लेन राइस के साथ सर्व करें। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।